एक और महामारी देश के ऊपर है और कुछ लोग अभी भी भटक रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ब्लैक फंगस की आप सभी को इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। इस बीमारी से डरना नहीं है, केवल सावधानी ही इसका बेहतर इलाज है। तो दोस्तों, ये कुछ इमेजेस हैं जो काफ़ी सारे पेशेंट्स की ब्लैक फंगस के दौरान ली गई हैं। ब्लैक फंगस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे। तो दोस्तों, समझते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इन मरीजों को है सबसे अधिक खतरा, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्लैक फंगस से सबसे ज़्यादा खतरा है। नंबर वन, डायबिटीज़ के मरीज जिनमें स्टेरॉइड से ज़्यादा दिया गया हो। कैंसर का इलाज करा रहे मरीज, इनमें भी ब्लैक फंगस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स लेने वाले मरीज, यानी कि जिन मरीजों को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स का सेवन किया गया हो, दिया गया हो, उनमें ज़्यादा रिस्क है। ऐसे कोरोना संक्रमित पेशेंट्स जो ऑक्सीजन मास्क या वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, या फिर ऐसे मरीज़ जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम बेहद कमज़ोर है, यानी कम है, ऐसे मरीजों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे मरीज़ जिनके किसी ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट हुआ हो, यानी कि किसी ने भी किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है, या कोई अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, ऐसे पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ये 5-6 तरह के मरीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। इन मरीजों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, डरना किसी भी बात से नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ज़्यादा लेने वाले मरीज़ जिनको ऑक्सीजन या मास्क वेंटिलेटर पर जो पेशेंट रहकर आए हैं कोरोना से संक्रमित होने के दौरान, या ऐसे मरीज़ जिनकी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण है ब्लैक फंगस के? नाक बंद होना या नाक से खून या काला सा कुछ निकलना, यानी कि अगर नाक से खून आ रहा है या नाक बंद हो रही है, या फिर नाक से काला पदार्थ निकल रहा है, या फिर नाक के अंदर काली पपड़ी टाइप की जम रही है। गाल की हड्डियों में दर्द होना, एक तरफ चेहरे में दर्द होना या सुन्न हो जाना, नाक की ऊपरी सतह का काला होना, दांत ढीले होना, आँखों में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना या फिर दोहरा दिखना, आँखों के आसपास सूजन होना, थ्रोम्बोसिस नेक्रोटिक घाव होना, सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होना, ये कुछ लक्षण हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। नाक बंद होना, यानी कि जब कभी पेशेंट को नाक बंद होती है तो ऐसे दिक्कत हो सकती है। खून निकलना, कई बार पेशेंट को खून निकलता है और काला काला पदार्थ निकलता है, यानी नाक जो बहती है हमारी उसके साथ में ब्लैक डिस्चार्ज हो जाता है, काला काला नाक हमारा निकलता है। एक तरफ चेहरे के हिस्से में दर्द होना, सूजन होना या फिर सुन्न पन्ना, अगर सुन्न पड़ रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम मरीज को हो सकती है। फंगस, ब्लैक फंगस के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। नाक की ऊपरी सतह का काला होना, जैसा कि पहले हमने इमेज में देखा था, फोटो में देखा था कि एक पेशेंट ऐसा था जिसकी नाक की सतह, ऊपरी सतह काली हो रही थी। दांत ढीले होना, एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, और उसके अचानक से दांत ढीले हो रहे हैं तो रिस्क है, हो सकता है ब्लैक फंगस का सिम्टम्स हो। आँखों में दर्द होना, धुंधला दिखना या दोहरा दिखना, धुंधला यानी कि साफ से नहीं दिखना, आँखों में दर्द रहना, ये भी एक सिम्टम्स है ब्लैक फंगस का। ब्लैक फंगस क्या है,
क्या है इसका इलाज? अगर वैक्स फंगस की बात करें तो ये क्या होता है और इसका इलाज यानी ट्रीटमेंट क्या होता है? ब्लैक फंगस, इसे हम म्यूकर माइकोसिस के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा ख़तरनाक इन्फेक्शन है जो अब तक बहुत ही कम लोगों में होता रहा है, लेकिन लाखों में किसी एक को यह संक्रमण होता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना से संक्रमित मरीजों में यह इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। यानी कि ब्लैक फंगस जो है, इसे इंग्लिश में म्यूकर माइकोसिस के नाम से जाना जाता है। म्यूकर माइकोसिस से हम कहते हैं, पहले कभी इसके इन्फेक्शंस यानी इसके केसेस नहीं देखने को मिले थे, लेकिन कोरोना के बाद में इसके काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स इससे ग्रसित भी हो रहे हैं। ब्लैक फंगस के बाद में वाइट फंगस भी देखने को मिल रहा है। किन कारणों की वजह से ये होता है? जिन पेशेंट्स को साफ सफाई के साथ में ऑक्सीजन डिलीवर नहीं किया गया हो, यानी कि वेंटिलेटर पर जो पेशेंट्स हैं जिनको मास्क के द्वारा या ट्यूबिंग के द्वारा ऑक्सीजन दिया गया है, हो सकता है कि उन इक्विपमेंट्स में ये ब्लैक फंगस पनप रहा हो। ब्लड शुगर हाई होने की वजह से ये ब्लैक फंगस जल्दी ग्रो कर जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को स्टेराइड्स का ज़्यादा सेवन किया जाता है, ऐसे पेशेंट्स में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कुछ कारण हैं। यह इतना खतरनाक संक्रमण है कि इसके शिकार करीब आधे लोगों की जान चली जाती है। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ी हैं। पिछले इमेजेस में हम समझ चुके हैं, ब्लैक फंगस के सबसे अधिक मामले डायबिटिक लोगों में आ रहे हैं। डायबिटिक यानी कि जिन मरीजों का शुगर लेवल ज़्यादा होता है, उन्हें हम डायबिटिक पेशेंट्स कहते हैं, डायबिटिक मरीज उन्हें कहते हैं। ऐसे में इन्हें सबसे अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है और नियमित तौर पर अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लड शुगर यानी शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स में इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। म्यूकर माइकोसिस कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन इसके केसेस जो हैं अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो सही से हॉस्पिटल्स में साफ सफाई नहीं हो रही हो, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में भी इसका इन्फेक्शन होता है, पाया जाता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? इसके लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। जिन मरीजों का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। एम्फोटेरिसिन करके एक इंजेक्शन आता है, एम्फोटेरिसिन बी, इसका भी उपयोग किया जाता है। एंटीफंगल मेडिसिंस का भी उपयोग किया जाता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना पड़ता है, साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सर्जरी कर सकते हैं पेशेंट्स में, यानी कि जो हिस्सा काला पड़ा है उसे हटा सकते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।